Hello everyone, and we are here to study about the organisms and populations. So now we are going to about study that organism kya hai ek organism, like agar mujhe ek koel dikhti hai to agar is environment mein ek koel hai to us koel se kya kya fayda hai, मतलब कि वो क्यों है, अगर उसका वॉइस बॉक्स है, वो आवाज़ जो निकाल रही है वो कैसे काम करता है, क्यों काम करता है, इन सब की एक सिग्निफिकेंस है. ठीक है, अगर हम उसको एक उसकी तरह ले, अगर कि भगवान ने ऐसा क्यों बनाया है, किसी भी चीज़ को अगर बनाया है तो ऐसा क्यों बनाया है, या फिर ये कह लो कि जो भी चीज है वो क्यों है, उसमें अगर हम साइंटिफिकली देखें तो वो चीज ऐसी क्यों है. ठीक है, अगर हमारे आसपास ऐसे पेड़ हैं, हमारे आसपास वो पहाड़ों वाले पेड़ नहीं है, तो ऐसा क्यों है. ठीक है, अगर हमारे यहाँ पे जो है टाइगर्स है, ठीक है, तो हमारे यहाँ पे जिराफ्स क्यों नहीं है. ठीक है, दिस इज ऑल अ क्वेश्चन की अगर हम नेचर की हर चीज पे क्वेश्चन करके देखें कि व्हाई इट इज, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, व्हाई, एंड ऐसा कैसे है, कैसे हो गया ये, हाउ इट हैपेंड. ठीक है, दोनों ही क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं वो हमें सीख करने चाहिए. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ऑर्गेनिजम्स, यानी जो हम लोग जितने भी ऑर्गेनिजम्स हम देखते हैं, और पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, व्हाट इज इट ऑल अबाउट. ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, देयर इज अ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारी बायोलॉजी है, जो हमारा पूरा ये पूरा बायोलॉजी मतलब लाइफ. ठीक है, बायो मीन्स लाइफ, तो जितने भी लाइफ वाली जो चीजें हैं हमारे यहाँ, उनके में एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. जैसे कि अगर हम लोग घर में देखें, किसी का घर बनता है तो उसके लिए बेसिक क्या चाहिए होता है, ईंटें, फिर ईंट के साथ सीमेंट चाहिए होता है, फिर ईंटें ईंटें बना के फिर एक कमरा बनता है, एक कमरे से चार कमरे, चार कमरों से एक मकान बनता है, एक मकान से पूरी पूरी 25-30 मंजिल की बिल्डिंग बन जाती है, और ऐसी 25-30 मंजिल की बिल्डिंग अगर एक साथ बहुत सारी हो जाए तो उससे एक स्मार्ट सिटी बन जाती है. ठीक है, तो और ऐसी ऐसी बहुत सारी स्मार्ट सिटीज मिलके क्या बनाती है, एक स्टेट बनाएंगी. स्टेट जो है वो आगे चल के क्या बनाते हैं, एक कंट्री बना रहे हैं. तो ये एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. ठीक है, उसकी बेसिक यूनिट हमने ईंट देखी. ठीक है, अब ऐसे ही जो है हमारी बायोलॉजी, हमारा जो लाइफ है हमारे आसपास, उसकी भी एक जो है ऐसे ही लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का. तो उसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि मतलब क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि लाइक अगर कोई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको अरेंज करने के लिए आ जाएगा. ठीक है, कि पहले बोल देंगे कि सिटी है, फिर बोल देंगे कि ईंट है, फिर बोल देंगे कमरा है. ठीक है, ऐसे करके तो आपको उसको अरेंज करना है. जस्ट एन एग्जाम्पल. तो अगर हम बायोलॉजी में देखें तो हमें सबसे पहले क्या देखना है, लेवल ऑफ बायोलॉजी. ठीक है, लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. तो सबसे पहले अगर हम एनसीईआरटी की बुक उठाते हैं तो सबसे पहले उन्होंने यही पूछा हुआ है, सो सर व्हाट इज द लेवल ऑफ, क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज what are the levels of biological, what are the levels of biological organization. ठीक है, organization जो है हमारी, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स क्या है. जैसे कि मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन में भी तो एक ऐसे वो होती है ना, पोस्ट होती है कि सबसे नीचे, अगर तुम्हारे स्कूल में भी देखो सबसे नीचे स्टूडेंट्स हैं, फिर उसके पास स्टूडेंट्स के ऊपर टीचर्स आते हैं, टीचर्स के ऊपर जो है प्रिंसिपल आता है, प्रिंसिपल के ऊपर कोई और आता है. ठीक है, तो ऐसे करके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लेवल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में. ऐसे बायोलॉजिकली अगर हम देखें तो क्या लेवल है, सबसे पहले, सो लेट्स सी, जल्दी जल्दी करेंगे. पहला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है हमारा मैक्रोमोलिक्यूल्स. ठीक है, मैक्रोमोलिक्यूल,
मैक्रोमोलिक्यूल्स कौन कौन सी हैं? एग्जांपल्स हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स के हैं कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ठीक है, ये हमारे बेसिक जो है तीन मेजर मैक्रोमोलिक्यूल्स हमारी बायोलॉजी में है, जो हमने 11 चैप्टर में भी, 11 क्लास के बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में भी पढ़े थे ना. तो मैक्रोमोलिक्यूल्स जो है ये हमारे सबसे पहले सबसे छोटे लेवल की चीज है, ठीक है. अब बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन से जो है सेल मेम्ब्रेन बनी, कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज से सेल वॉल बनी, फैट एंड प्रोटीन्स जो है मिलके अंदर जो है गोल्गी अपरेटस, प्रोटीन से जो है आरएनए, प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट है. तो प्लांट का सेल ले लो या फिर जो है प्लांट का कोई भी सेल ले लो, मान लो दिस इज अ प्लांट्स, क्या बैक्टीरिया का सेल, बैक्टीरिया का सेल, ठीक है, या किसी एनिमल का सेल. तो अगर हमारे हिपैटिक सेल ले लो, अगर हम एक सबसे छोटे लेवल पे जाएं तो एक लिवर का एक सेल हो गया, प्लांट सेल हो गया हमारा, ठीक है, ओके. सो ऐसे करके हमारे एक एक सेल बनते हैं मैक्रोमोलिक्यूल से, ठीक है, लेवल टू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. फिर अगर हम नेक्स्ट जाएं तो लेवल, अब एक बहुत सारे सेल्स मिलके क्या बनाएंगे, जब हम कलेक्शंस ऑफ सेल्स कर लेंगे तो बहुत सारे सेल्स मिलके बनाते हैं एक टिश्यू, ठीक है, टिश्यू बनाते हैं. टिश्यू जो है अ कलेक्शन ऑफ सेल्स होता है, ठीक है, कलेक्शन ऑफ सेल्स को टिश्यू बोलते हैं, ठीक है. जैसे कि अगर हम प्लांट में देखें तो प्लांट में जो है टिश्यू, जैसे कि अगर आएगा जाइलम फ्लोएम का टिश्यू आ जाएगा, ठीक है, जाइलम टिश्यू, फ्लोएम टिश्यू, ठीक है, ऐसे करके अगर उसका एक सेक्शन लेंगे तो वो एक टिश्यू आ जाएगा, ठीक है. तो टिश्यू इज अ कलेक्शन ऑफ सेल्स, कलेक्शन ऑफ सेल्स जो है ना, क्योंकि बैक्टीरिया तो सेल लेवल से आगे बढ़ते नहीं है, ठीक है, तो फिर प्लांट और जो आगे चल के मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है उनमें ये चीज देखने को मिलती है. तो कलेक्शन ऑफ सेल्स जो है वो एक टिश्यू होता है. जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूं तो हिपैटिक, मैंने सेल, जैसे हिपैटिक मीन्स लिवर, ठीक है, लिवर का एक सेल की बात करी तो अब मैं यहाँ पे बोलूंगी हिपैटिक टिश्यू. मान लो लिवर का एक टुकड़ा मैं तुम्हें दे दूं तो मैं क्या बोलूंगी कि हिपैटिक टिश्यू दिया है, ठीक है, ऐसे जाइलम फ्लोएम टिश्यू हो जाएगा, ठीक है. फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो हमारे पास जो है मैक्रोमोलिक्यूल्स थे, उन्होंने मिलके सेल्स बनाए, सेल्स जो है उन्होंने मिलके जो है कलेक्शन ऑफ सेल्स जो किया मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, उससे जो है टिश्यू बना. अब टिश्यू जो होता है वो बेसिकली सारा टिश्यू मिलके जो है वो क्या बनाता है, वो बनाता है ऑर्गन्स, ठीक है, ऑर्गन्स बनाता है. अब जैसे ऑर्गन हमारा पूरा जाइलम एक ऑर्गन है, फ्लोएम एक ऑर्गन है, ठीक है, तो टिश्यू तो एक पार्ट ऑफ ऑर्गन था, ठीक है. तो अल्टीमेटली ऑर्गन एक ऑर्गन क्या होता है, एक ऐसा पूरा स्ट्रक्चर जिसका काम एक हो, ठीक है. अब जैसे हमारी बॉडी में ऑर्गन्स है, हार्ट है, लंग है, ठीक है, हार्ट लंग हो गया, किडनी हो गया, स्किन एक हमारा जो है ऑर्गन है, तो स्किन टिश्यू होगा, लिवर टिश्यू होगा, हार्ट टिश्यू होगा, ठीक है. और इन सब के बेसिक में जो है हमारे पास हार्ट सेल्स हो गए, ठीक है, लिवर सेल्स हो गए, स्किन में एपिडर्मल सेल्स हो गए. तो ये अलग अलग सेल्स से बने हैं, उनके कलेक्शन से टिश्यू बने हैं, और उन टिश्यूज के कलेक्शन से ऑर्गन्स बने हैं अलग अलग, ठीक है. और हर ऑर्गन का एक फंक्शन होता है, ठीक है, जाइलम का जैसे एक फंक्शन है, फ्लोएम का जैसे एक फंक्शन है, ठीक है. तो ऐसे ही मतलब अगर कॉकरोच में भी लोगे तो ऑर्गन्स होते हैं ना, उसमें भी गट होता है, उसमें भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है. तो ऐसे करके हर ऑर्गेनिज्म में फिर एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में फिर ऐसे ऑर्गन्स बनेंगे, ठीक है. तो एग्जाम्पल मैं अगर हिपैटिक को ही कंटिन्यू करूं तो एग्जाम्पल लिवर बन गया. सो लिवर से रिलेटेड चीजों को हम हिपैटिक बोलते हैं लैटिन में, हिपैटिक, हिपैटिक टिश्यू. तो एग्जांपल ऑर्गन लिवर हो गया, ठीक है. लिवर का हमारा काम है हमारी बॉडी में जो है, लिवर जो है हमारे बॉडी की किचन है एक तरह से, ठीक है. तो
फिर हमारा ऑर्गन लेवल हो गया, फिर नेक्स्ट जो लेवल आता है हमारा, अब बहुत सारे ऑर्गन्स हो गए, जैसे लिवर हो गया, हार्ट हो गया, ठीक है, एग्जांपल अगर मैं ह्यूमंस का ही करूँ, लिवर हो गया, हार्ट एक एग्जांपल हो गया, ठीक है, स्प्लीन एक ऑर्गन है, ठीक है, ब्रेन एक ऑर्गन है, ऐसे कर करके बहुत सारे ऑर्गन्स का अगर एक कलेक्शन होगा तो तुम्हें क्या लगता है क्या बनेगा? ठीक है, उससे बनेगा लेवल 5 और ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो एक ऑर्गेनिज्म बनेगा, ठीक है, उससे एक ऑर्गेनिज्म बनेगा, ठीक है, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल यानी एक ऑर्गेनिज्म बनेगा, ठीक है। अब ये ऑर्गेनिज्म बन गया, अब इस लेवल पे हम आ गए कि एक पूरा का पूरा एक इंसान बन गया, एक पूरा का पूरा कॉकरोच बन गया, एक पूरा का पूरा मॉस्किटो बन गया, एक पूरा का पूरा जो है प्लांट बन गया, तो ऐसे करके एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया, ठीक है, तो हमारा इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बन गया। अब नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? नेक्स्ट लेवल ऑर्गेनिजम्स। अब ये मान लो कि एक कमल का पौधा है, मान लो, ठीक है, एक कमल का पौधा मान लो, या कुछ भी मान लो, एक एक रैट मान लो। ऑर्गेनिजम्स में हम ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या आएंगे? लोटस प्लांट हो गया, वो पूरा एक ऑर्गेनिज्म है, रैट हो गया एक पूरा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ह्यूमन तो है ही एक पूरा ऑर्गेनिज्म जो आप हम लोग मानते ही मानते, ठीक है, लोटस प्लांट, रैट हो गया, फिर कोई इंसेक्ट मान लो, जैसे बीटल, बीटल जो है एक मान लो कीड़ा, ठीक है, तो बीटल हो गई, कोई भी एक जो है हमारा ऑर्गेनिज्म, ऐसे करके एक ऑर्गेनिज्म बन गया, ऑर्गेनिज्म लेवल पे आके। तो नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या रहेगा? नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या रहेगा? उसमें नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रहेगा कि अब ऑर्गेनिजम्स जो है वो इकट्ठे हो गए, ठीक है। अगर ऑर्गेनिजम्स इकट्ठे हो जाएंगे, यानी बहुत सारे ह्यूमंस एक जगह आ गए, ठीक है, बहुत सारे ह्यूमंस एक जगह आ गए, बहुत सारे रैट्स एक जगह आ गए, बहुत सारे, एक पॉन्ड है, पॉन्ड मतलब एक पूरा तालाब है, उसमें बहुत सारे जो है लोटस प्लांट्स मैंने उगा दिए, सो व्हाट इज दैट? सो दैट इज अ पॉपुलेशन। सो ऑर्गेनिजम्स जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको हम पॉपुलेशन बोलते हैं। सो पॉपुलेशन की डेफिनेशन जो है अब हम यही कर लेते हैं, क्योंकि ये भी एक क्वेश्चन है अलग से, ठीक है, कि डिफाइन पॉपुलेशन, इसकी डेफिनेशन जो है वो हम लोग यहीं पे कर लेते हैं, क्योंकि आगे चैप्टर में आगे भी आएगी व्हाट इज पॉपुलेशन। सो व्हाट इज पॉपुलेशन? पॉपुलेशन इज व्हाट? सो पॉपुलेशन क्या है, कि हमने क्या बोला, पॉपुलेशन है कलेक्शन ऑफ ऑल द ऑर्गेनिजम्स। सो अगर हम सिंपल भाषा में बोले तो एक जैसे ऑर्गेनिजम्स यानी एक स्पीशीज, अगर बहुत सारे एक जैसे स्पीशीज के लोग अगर साथ में आ गए तो उसको एक पॉपुलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे ह्यूमन है बहुत सारे, इंडिया, इंडिया की पॉपुलेशन बोलते हैं ना, इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है, कनाडा की पॉपुलेशन इतनी है, तो मान लो कि इंडिया, इंडियन होना एक मान लो स्पीशीज है, तो इंडियन पॉपुलेशन बोल देंगे, ठीक है। फिर अगर सॉरी अगर अगर गुजराती होना एक स्पीशीज काइंड ऑफ चीज हो गई, तो हम उसको बोलते थे गुजराती पॉपुलेशन रहती है इधर। तो किसी एक पर्टिकुलर स्पीशीज या एक किसी पर्टिकुलर उसके लोग जो अगर एक साथ रहते हैं, फीचर के लोग, तो उसको पॉपुलेशन बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लो कि मेरे घर के पास अगर कोई नाला है, वहां पे अगर बहुत सारे चूहे रहते हैं, तो मैं क्या बोलूंगी कि लाइक फिर वहां पे चूहों की पॉपुलेशन रहती है। सो अगर मैं उसको साइंटिफिकली डिफाइन करूं, ठीक है, हाउ विल आई से कि दिस इज अ पॉपुलेशन? क्या मैम 5 चूहे रहते तो मैं उसको पॉपुलेशन बोल दूं? ठीक है, सो आई नीड अ प्रॉपर डेफिनेशन। सो द डेफिनेशन इज दैट द ऑर्गेनिजम्स
द ऑर्गेनिज्म द ऑर्गेनिजम्स आई एम रियली सॉरी आई थॉट इट्स अ चिपकली सो ऑर्गेनिजम्स हु लिव द ऑर्गेनिजम्स हु लिव इन ग्रुप्स ठीक है ग्रुप्स में रहते हैं ऑर्गेनिजम्स ठीक है तो एक मेन वर्ड हो गया कि ग्रुप्स में रहते हैं ऑर्गेनिजम्स ठीक है ऑर्गेनिजम्स विच लिव इन अ ग्रुप लिव इन ग्रुप्स इन वेल डिफाइंड इन वेल डिफाइंड मतलब कि हमें पता है कि हमें इस एरिया की ही बात करनी है मान लो कि अगर मैं दिल्ली में रहती हूँ तो मैं दिल्ली की ही बात कर रही हूँ ठीक है मतलब एक डिफाइन करना पड़ेगा ना एरिया ऐसे तो मान लो कि पूरे वर्ल्ड के चूहों की बात नहीं कर सकते हम लोग से बात करेंगे कि इतने एरिया में कितने लोग रहते हैं ठीक है सो वेल डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया ठीक है ज्योग्राफिकली वो एरिया वेल डिफाइंड है कि हम लोग सिर्फ इतने एरिया की बात कर रहे हैं उस एरिया में ऑर्गेनिजम्स ग्रुप्स में रह रहे हैं ठीक है फिर इसके बाद अब वो क्या कर रहे हैं वहां पे शेयर कर रहे हैं शेयर और कंपीट एक दूसरे से शेयर करते हैं या कंपटीशन में भी रहते हैं एंड कंपीट फॉर सिमिलर रिसोर्सेस मतलब उनके खाने पीने की जगह और जो भी उनके रिसोर्सेस हैं वो सब सेम है वो इतने सेम है कि या तो वो उन खाने पीने की जगहों के लिए जो है साथ में शेयर करके रह रहे हैं या फिर जो कंपीट करके रह रहे हैं मतलब वो उस एक रिसोर्स पॉइंट को यूज कर रहे हैं ठीक है पोटेंशियली और इनमें क्या है potentially interbreed potentially interbreed भी कर रहे हैं मतलब ये नहीं है कि सिर्फ चार जने आके वहां रहने लग गए तो ठीक है दिस इज पॉपुलेशन उन चार ने जो है अपने को छह बनाया छह को जो है दस बनाया तो वहां पे जो है पॉपुलेशन तो तभी बनेगी ना जब उसमें जो है ग्रोथ भी आ रही हो ठीक है सो मतलब उसमें रिप्रोडक्शन भी हो रहा हो तो पोटेंशियली इंटरब्रीड्स ठीक है पोटेंशियली इंटरब्रीड एंड दिस इज व्हाट वी कॉल अ पॉपुलेशन ठीक है सो व्हाट इज अ पॉपुलेशन पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स या फिर पॉपुलेशन इज द ऑर्गेनिजम्स who live in groups ठीक है in a well defined geographical area तो हमें जो points याद रखने हैं वो ये है कि वो groups में है well defined geographical area है share या compete करते हैं resources so resources की बात है geographical area की बात है और groups में है और plus वो क्या करते हैं इंटरब्रीड करते हैं यानी रिप्रोडक्शन करते हैं इंटरब्रीड में बेसिकली हम लोग सेक्सुअली रिप्रोडक्शन की बात करते हैं लेकिन क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो है अगर मान लो मेरी कल्चर प्लेट है अब मान लो मेरी कल्चर प्लेट है उसमें मैंने कॉलोनीज बनाई है ऐसे कॉलोनीज बनती है ना बैक्टीरिया तो इधर जो है 10,000 बैक्टीरिया रह रहे हैं ठीक है इधर 5,000 बैक्टीरिया रह रहे हैं तो ये आपस में डिवाइड भी कर रहे हैं अब जैसे इस एरिया अब हम इसमें ज्योग्राफिकल एरिया इनका एरिया डिफाइन करें तो ये इस एरिया में रह रहे हैं तो डिफाइन ज्योग्राफिकल एरिया में ग्रुप में है ये 10,000 के आसपास है फिर इसके बाद ये जो है इतने एरिया में जितना भी खाना या न्यूट्रिशन प्रोवाइडेड है इस कल्चर प्लेट में उसको सारे लोग सेम लोग यूज कर रहे हैं और जो है ये और ये डिवाइड भी कर रहे हैं ठीक है 10 के जो है ये 20 भी बनेंगे ठीक है तो अल्टीमेटली दिस रिप्रेजेंट्स की एक पॉपुलेशन है इधर बैक्टीरिया की
ठीक है, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ पॉपुलेशन. ठीक है, पॉपुलेशन का मतलब ये नहीं है कि बड़ा बड़ा जो है एरिया में हो. ठीक है, पॉपुलेशन का मतलब है छोटे से एरिया में भी हम लोग पॉपुलेशन को डिफाइन कर सकते हैं. सो दैट्स हाउ दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ गेटिंग टू नो कि लाइक पॉपुलेशन का डेफिनेशन क्या होता है. सो अगर मैं एग्जाम्पल दूं, एग्जाम्पल ऑफ पॉपुलेशन क्या क्या रहेगा, अगर कोई मुझसे पूछे व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ पॉपुलेशन, एग्जांपल के पॉपुलेशन है जैसे रैट्स इन ट्रेंचेस. ठीक है, जो नाले हैं उनमें जो रैट्स रहते हैं वो भी ठीक है ट्रेंचेस या फिर अबेंडंड जहां पे कोई आता जाता नहीं है, ऐसे जगहों पे जैसे घरों में या फिर ऐसी जगहों पे जो है रैट्स रहने लग गए मान लो, ये भी एक एग्जांपल ऑफ पॉपुलेशन ही है. ठीक है, कल्चर प्लेट पे बैक्टीरिया ऑन कल्चर प्लेट इज एन एग्जांपल ऑफ पॉपुलेशन, बैक्टीरिया ऑन कल्चर प्लेट. ठीक है, दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल. ठीक है, और जैसे कि लोटस प्लांट्स मैंने बताया, जैसे लोटस प्लांट्स अगर इन सेम पॉन्ड, ठीक है एक पॉन्ड है, पॉन्ड मतलब तालाब वगैरह में जो है अगर ऐसे बहुत सारे लोटस हमने उगा रखे हैं तो दिस इज ऑल्सो अ पॉपुलेशन. ठीक है, और हमारी तो पता ही है ह्यूमंस की पॉपुलेशन के बारे में तो आपको पता ही है. ठीक है, ओके, सो एक मिनट. Okay, I was reading the comment. Actually, you trying to say कि आपको बात करना है. क्या बात करना है आपको? Like, if you have any doubt, I'm here to open. मैं आपसे बात करने के लिए तैयार हूँ. आपको कोई भी doubt हो आप पूछ सकते हैं. ठीक है? Okay. So, example of populations हमने देखा. So, अगर हम वापस जाएं अपने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे, तो हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पॉपुलेशन तक आ गए थे. ठीक है, कि पॉपुलेशन बन गई. ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज द पॉपुलेशन. ठीक है, फिर अब हम बात करते हैं कि अगर बहुत सारी ऐसी पॉपुलेशंस हैं, मान लो कि ये तो एक स्पीशीज हो गई. ठीक है, मान लो कि ह्यूमंस के साथ साथ अब एग्जाम्पल सोचो, जैसे ह्यूमंस की पॉपुलेशन है एक जगह पे, तो ह्यूमंस की पॉपुलेशन के साथ में हमारे आसपास और क्या है, कुत्ते बिल्ली की पॉपुलेशन चल रही है, छिपकलियों की पॉपुलेशन चल रही है, देयर इज अ पॉपुलेशन ऑफ द मॉस्किटोज ऑल्सो. सो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज की भी तो पॉपुलेशन है. तो डिफरेंट स्पीशीज की पॉपुलेशन जब एक साथ आती है उसको बोलते हैं कॉम्युनिटीज. ठीक है, सो कॉम्युनिटीज जो है वो बनती है. तो पॉपुलेशन के बाद नेक्स्ट इज कॉम्युनिटीज. तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक डिफाइंड एरिया में रहते हैं ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, दे फॉर्म कॉम्युनिटी. ठीक है, क्लास हम लोग ओरिजिनल जो हमारी टाइम क्लास है उसके सेपरेट हम क्लास रखेंगे. सो यू शुड सब्सक्राइब, और जब आपको नोटिफिकेशन आए कि लाइक देयर इज सम क्लास, मोस्ट प्रोबेबली संडे तक हम शायद वो क्लास ले पाएंगे. ठीक है, तो हम उस दिन जो है एक्स्ट्रा क्लास रखे ये चीज डिस्कस कर सकते हैं. ओके, सो पॉपुलेशन जो है वो सब मिलके क्या बनाएंगे, कम्युनिटीज बनाएंगे. ठीक है, सो डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन साथ में आके एक ज्योग्राफिकल एरिया में, तो उसे कम्युनिटीज बोलते हैं. ठीक है, कम्युनिटी बन गई. तो सेवेंथ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज द कम्युनिटीज. ठीक है, फिर हमारा एथ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज बहुत सारी कम्युनिटीज अगर साथ में आ जाए तो क्या बनेगा, कम्युनिटीज मिलके बनाती है एक इकोसिस्टम. So, जैसे कि मैंने बोला कि कम्युनिटी में हमने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो है ले लिया, कि जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उस डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया में रहता है उसको हम लोग कम्युनिटी बोलते हैं. ठीक है, अब इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम इज
इकोसिस्टम इज एबायोटिक प्लस बायोटिक इन अ डिफाइंड एरिया. एक एरिया में जितना भी बायोटिक मीन्स की लिविंग, एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग फैक्टर है ना. अगर हम उन दोनों को साथ में मिला के देखें तो वो एक इकोसिस्टम बनाता है. ठीक है, अब एक इकोसिस्टम का जैसे मैं एग्जांपल दूं, तो जैसे जो कि बचपन से हम लोग ये वाला डायग्राम बनाते आ रहे हैं. ठीक है, बचपन वाला डायग्राम याद करते हैं जो हम एक इकोसिस्टम बनाते हुए आ रहे थे. ठीक है, हम इसमें क्या क्या बनाते दिखा रहे थे, घास है, पेड़ है, ठीक है, पेड़ है, फिर यहाँ पे और क्या है, यहाँ पे पक्षी उड़ रहे हैं. ठीक है, पक्षी उड़ रहे हैं, यहाँ पे जो है एक ह्यूमन है विद हिज डॉग. ठीक है, ह्यूमन विद हिज डॉग है. ठीक है, और क्या है, यहाँ पे एक नदी बहरी होती थी. ठीक है, ऐसे करके एक ऐसे नदी बहरी होती थी. सो ये जो हमारा बचपन का जो डायग्राम है, बेसिकली अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, ओके, सो ये इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है. इसमें हमें क्या क्या देखने को मिला, देखो इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन कौन है, बहुत सारे पेड़ है तो ट्रीज की पॉपुलेशन है, ह्यूमन की पॉपुलेशन है, अगर बहुत सारी ह्यूमंस दिखा दूं मैं, डॉग की पॉपुलेशन है. ठीक है, और इसमें क्या है, लिविंग में बर्ड्स है. ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ये अलग अलग डिफरेंट स्पीशीज हो गई और ये सारा लिविंग हो गया. अब नॉन लिविंग में अगर आप देखें तो यहाँ पे हम लोग क्या बनाते हैं, सन बना रहे हैं. तो मतलब यहाँ पे हम टेम्परेचर सन की बात कर रहे हैं, तो सन एक्सपोजर टेम्परेचर की बात कर रहे हैं. पानी दिखाया है हमने, वाटर दिखाया है, हवा, अगर यहाँ पे ऐसे बादल बनाते हैं, हवा है, एयर बता सकते हैं हम लोग, यहाँ पे एयर की बात कर सकते हैं. तो ये सब क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है जो हम हमारे इस इकोसिस्टम को बनाती है. ठीक है, तो हम इस पूरी पिक्चर को देखें तो ये बेसिकली किस चीज की पिक्चर हो गई, ये बेसिकली हमारी एक इकोसिस्टम की पिक्चर हो गई. नहीं, हमें पता ही नहीं था कि हम लोग आज तक जो है एक इकोसिस्टम बनाते हुए आ रहे हैं. ठीक है, तो जब भी इकोसिस्टम के बारे में डाउट लगे तो अपना ये डायग्राम याद करना जो बचपन से हम में से हर किसी ने ड्राइंग के पीरियड में जो बनाया होगा. ठीक है, हमारी ड्राइंग वाली मैम हमें से यही बनवाती थी, या फिर ये कह लो कि हमें यही आता था बनाना. ठीक है, ओके, सो हमारा इकोसिस्टम, इकोसिस्टम किस चीज से बनता है, लिविंग प्लस लिविंग, हमारा इकोसिस्टम बनता है लिविंग प्लस नॉन लिविंग, और जो चीजें हैं दोनों को अगर साथ में बैठ के अगर हम देखें तो वो एक इकोसिस्टम है. ठीक है, अब बहुत ऐसा छोटा छोटा एरिया में अलग अलग इकोसिस्टम हो सकता है और ये एक डिफाइंड एरिया में है. अगर मैं इसी इकोसिस्टम को एक बड़े एरिया में पढ़ना चाहूं, ठीक है, डिफाइंड एरिया, जैसे कि अगर हम सिर्फ इकोसिस्टम की बात करें तो दिल्ली में अगर अलग अलग जगह पे अलग अलग इकोसिस्टम हो सकते हैं. ठीक है, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में तो बहुत सारे इकोसिस्टम है. ठीक है, जैसे कि अगर हम सिंपल एक फॉरेस्ट एरिया के बारे में बात करें तो अगर एक फॉरेस्ट एरिया है तो उसमें एक पॉइंट होता है जहां पे पानी मिलता है, जिसे हम बोलते हैं ओएसिस. ठीक है, मैम 206 बोन्स कैसे याद करें, ओके, फार्मेसी का स्कोप क्या, फार्मेसी का स्कोप क्या, ओके, देखो इफ यू आर 12th क्लास स्टूडेंट, अभी तुम्हें इस बात पे फोकस करने की जरूरत है कि यू आर पासिंग योर एनसीईआरटी, पासिंग योर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम विद गुड ग्रेड्स. इफ यू हैव गुड ग्रेड्स एंड इफ यू हैव गुड नॉलेज अबाउट द बायोलॉजी, देन यू कैन डिसाइड लाइक विच फील यू वॉन्ट टू गो. ओके, एंड तुम्हारे मार्क्स या फिर तुम्हारे जो आगे चल के जो तुम्हारे लिए स्कोप ओपन होगा वो डिसाइड करेगा कि, मतलब मेरा ये मानना है कि दैट इज अ मेजर मेजर फैक्टर जो इस बात को डिसाइड करता है कि आप किधर जाएंगे. इफ यू वॉन्ट टू गो इन टू द मेडिसिन,
मेडिसिन में आप जा सकते हैं, अच्छे से तैयारी कीजिए, आप नीट क्रैक कर सकते हैं, फिर उसके बाद अगर आप फार्मेसी में जाना चाह सकते हैं, इट्स अ वेरी गुड. सी एवरी 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 ब्रांच एवरी थिंग हैव अ स्कोप अनलेस एंड अंटिल यू आर वेरी डिटर्मिंड एंड वेरी हार्ड वर्किंग टू डू दैट थिंग. ठीक है, अगर आप दृढ़ता से अपना काम करेंगे, जिस भी फील्ड में जाएंगे उस फील्ड में आपको कामयाबी मिलेगी. ठीक है, सो कोई भी फील्ड जो है कम नहीं है. ओके, बेसिकली मतलब मेडिसिन से रिलेटेड तो फील्ड्स में मैं ये कह सकती हूँ. आई एम नॉट, मतलब मेरे को इंजीनियरिंग वाले फील्ड्स का नहीं पता है, मेडिसिन वाले फील्ड्स में जितना मैंने देखा है जो इंसान की सक्सेस है वो इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि वो एक डॉक्टर कितना बड़ा डॉक्टर बनता है. फिर जो जितना बड़ा डॉक्टर बनता है ना, वो इस बात पे भी डिपेंड नहीं करता कि उसने क्या डिग्री ली है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उसने किस तरीके से लोगों से इंटरेक्ट किया और किस तरीके से उसने अपनी पढ़ाई को यूज किया है उस चीज के लिए. ठीक है, तो इसलिए जो है आप कुछ भी कर सकते हैं. और लेकिन अभी के लिए फोकस ये होना चाहिए कि आप जो ट्वेल्थ पास कर रहे हैं वो एक गुड ग्रेड से पास करें, ताकि आपको एक अच्छा कॉलेज मिल सके. अगर आप फार्मा भी करना चाहते हैं तो आगे चल के जो है फार्मा के अच्छे अच्छे कॉलेजेस में आपका एडमिशन हो. ठीक है, सो नाउ वी फोकस ऑन दिस. ठीक है, सो इकोसिस्टम जो है वो हो गया हमारा कलेक्शन ऑफ नॉन लिविंग प्लस लिविंग. तो उसको हम लोग जब देखें तो वो इकोसिस्टम हो गया. अब जो लास्ट हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज बायोम. ठीक है, बायोम जो है वो है तो इकोसिस्टम की तरह ही, लिविंग प्लस नॉन लिविंग की बातें करते हैं हम लोग उसमें, लेकिन इट्स फॉर अ, इसमें बात क्या है, डिफाइंड एरिया में था, इट्स फॉर अ वेरी लार्ज एरिया, मतलब बहुत बड़ा एरिया, इतना बड़ा एरिया कि दो दो कंट्री समा जाए एक बायोम में. ठीक है, तीन तीन कंट्री समा जाए एक बायोम में, इतना बड़ा एरिया के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो बायोम होता है. ठीक है, सो दैट्स हाउ दैट इज हियर our levels of biological organization. If anybody have any doubt, they can ask. Let's see. So, number one, macromolecules. Number two, the cell. Number three, tissue. Then organs. Organs milke banate hain organisms. Organisms ikhatte ho jaye to population. Populations alag alag species ki ikhatti ho jaye ek area mein to community. Community jo hai wo ikhatti ho jaye to wo jo hai ek communities plus agar hum uske aas pass ka jo hai wo baat kare agar abiotic non living things ke bare mein to wo ho jayega hamara ये इकोसिस्टम. और इकोसिस्टम तो एक छोटे एरिया की बात है, अगर बहुत बड़े एरिया के बारे में अगर हम बात करें तो वो होता है एक बायोम. ठीक है, सो दीज आर द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. फिर हमारा जो है अगर हम देखें तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो हमने पढ़ लिए. अब एक क्वेश्चन आता है डिफाइन इकोलॉजी. ठीक है, डिफाइन definition of ecology. What is ecology? Ecology kya hai? What is ecology? So ecology is the study of hum log isme padhai karte hain, study of interaction among मतलब आपस में. ठीक है, among उसके अंदर among आपस में. ठीक है, study of interaction among organisms, मतलब organisms जो है आपस में कैसे interact करते हैं उस चीज की study. and इसमें and, ठीक है और आपस में कैसे interact करते हैं, and बिटवीन, बीच इन दोनों के बीच में, एंड बिटवीन ऑर्गेनिजम्स. अमंग तब यूज करते हैं जब हम किसी के अंदर की बात है, जैसे आपके घर के अंदर की बात है तो अमंग. तो ऑर्गेनिजम्स आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, एंड बिटवीन होता है किसी दो अलग अलग चीजों के बीच में, तो बिटवीन ऑर्गेनिजम्स
बिटवीन ऑर्गेनिज्म, मतलब जो ऑर्गेनिज्म है वो, एंड बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड द फिजिकल एनवायरनमेंट, मतलब जिस फिजिकल एनवायरनमेंट में वो रहता है, जिसे हम अभी थोड़ी देर पहले क्या बोल रहे थे, एबायोटिक एनवायरनमेंट, ठीक है। तो वो स्टडी जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स का आपस में इंटरेक्शन, जैसे कि शेर ने हिरन के साथ क्या किया, दैट इंटरेक्शन इकोलॉजी है। और फिर उसके बाद एबायोटिक एनवायरनमेंट ऑर्गेनिजम्स का क्या है कि बहुत गर्मी पड़ी तो शेर की हालत बुरी हो गई, दैट इज गर्मी पड़ना इज फिजिकल एनवायरनमेंट एंड ऑर्गेनिज्म इज द शेर, ठीक है। तो उन दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन है, जो हुआ, जो मैकेनिज्म होता है वहां पे, वो स्टडी करना, और दो ऑर्गेनिजम्स के बीच की जो है इंटरेक्शन स्टडी करना, इस पूरे को हम लोग इकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। अब जो इकोलॉजी है वो फोर लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे वर्क करती है, ठीक है। फोर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे जो है इकोलॉजी जो है उसको फोर लेवल्स पे वर्क करना होता है। अब सेल वगैरह के लेवल पे तो इकोलॉजी वर्क नहीं करेगी, अमंग इंटरैक्शन अमंग ऑर्गेनिज्म, तो सबसे पहले तो एक ऑर्गेनिज्म ही होना चाहिए इंटरैक्शन वगैरह के लिए, तो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना, ठीक है। फिर उसके बाद ऑर्गेनिज्म से जो पॉपुलेशंस बनती है उनके लिए स्टडी करना, पॉपुलेशन से जो है कम्युनिटी बनती है उन पे स्टडी करना, और फिर कम्युनिटी से क्या बनता है, ईगो सिस्टम। तो इस पूरे इन इन चीजों की स्टडी करना जो है उसको इकोलॉजी बोलते हैं। मतलब इकोलॉजी में जो चार लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टडी किए जाते हैं वो चार लेवल ये हैं, ठीक है। इकोसिस्टम बायोम्स, बड़े एरिया में बायोम्स होते हैं, ठीक है। सो दीज आर द फोर लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक इकोसिस्टम की स्टडी में जो है यूज किए जाते हैं। मतलब ये 1-1 mark के क्वेश्चन या फिर आजकल एमसीक्यू आने लग गए हैं, तो उन सब में ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हो गई हैं, ठीक है। इस पे एमसीक्यू बन जाएगा, व्हाट आर द फोर लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लाइक व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टडी इन इकोलॉजी, ऐसे करके एमसीक्यू बन जाएगा, ठीक है। ओके, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि बायोम के बारे में, अगर अब हम जो है सबसे बड़े उसके बारे में बात करते हैं, बायोम, ठीक है। बायोम क्या होता है, ठीक है। बायोम हमने बोला एक लार्ज, बहुत बड़ा एरिया, उसमें जो है अगर हमारा बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन अगर हम देखते हैं, मतलब एबायोटिक प्लस बायोटिक देखते हैं, तो उसको हम लोग बायोम बोलते हैं, ठीक है। अब ये बायोम्स अलग अलग जो है हमारे पास वो बनते कैसे हैं, ठीक है। बायोम्स बनने का कारण क्या है, ठीक है, उसके लिए हम लोग जो है देखेंगे। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ओके, बायोम जो है हमारे पास अलग अलग आते हैं, वो क्यों आते हैं, देखो हमारी जो अर्थ है, अगर हम अर्थ को देखें, जो हमारी धरती माता है, जो अर्थ है हमारी वो राउंड है, और वो जो है वो सूर्य देव के चक्कर लगाती है, ठीक है। इट इज रोटेटिंग अराउंड द सन, से सूर्य देव के चक्कर लगाती है, ठीक है। तो ये वाला साइड जो है वो अभी इस पे, अभी इस वाले साइड पे बहुत ज्यादा सन एक्सपोजर है, ठीक है। फिर जब ये घूम जाएगी इधर की साइड, तो उस वाली साइड पे जो सन एक्सपोजर आ जाएगा, ठीक है। प्लस जो है अगर हम देखें
इधर की तरफ सन एक्सपोजर ज्यादा है, इधर कम है, प्लस एक तो ये रोटेट करते हैं, ठीक है, दूसरा ये अपनी एक्सिस पे भी टिल्टेड है, थोड़ा सा टिल्टेड रहती है ऐसे करके, ठीक है. सो ये हमारा इक्वेटर है, ठीक है, ये जो इक्वेटर है ये हमारा ट्रॉपिक्स रीजन है, ट्रॉपिकल लाइंस है हमारी, ठीक है, ये पोल्स है हमारे, ठीक है, दिस इज द नॉर्थ पोल, दिस इज द साउथ पोल, ठीक है, ऐसे पोल्स है हमारे, तो ये खुद से भी थोड़ी सी टिल्टेड है अपनी एक्सिस पे, उसकी वजह से भी क्या होता है, जब ये ऐसे घूमेगी तो पूरा ऐसा नहीं है कि इस पूरे एरिया पे, अब जैसे सन है यहाँ पे जितना लंबा रे बनेगा, यहाँ पे उतना लंबा रे नहीं है, तो इस पे इस जगह पे ज्यादा गर्मी मिलेगी इस जगह के मुकाबले, ठीक है, इस टिल्ट की वजह से ये भी एक फर्क आया है, ठीक है. सो देयर आर द टू थिंग्स, फर्स्ट द अर्थ रोटेट्स अराउंड सन, सन के अराउंड रोटेट करते, दूसरा टिल्ट ऑन एक्सिस, अर्थ का टिल्ट है एक एक्सिस पे, जिसकी वजह से एनुअल वेरिएशन, एनुअल मतलब सालाना, सालाना मतलब एक साल के अंदर अंदर एनुअल वेरिएशंस आते हैं, क्योंकि एक पूरा चक्कर जो एक साल में लगाती है, ठीक है, तो एनुअल वेरिएशंस आते हैं किस चीज में, कि वहां पे टेम्परेचर कितना होगा उस चीज में, उस जगह का टेम्परेचर बदलेगा ना अकॉर्डिंग टू द अर्थ की रोटेशन और टिल्ट के हिसाब से, तो साल भर में वो टेम्परेचर बदल जाता है, कि लाइक अभी जैसे दिल्ली में गर्मी थी, सर्दी थी, अभी गर्मी आने लग गई, ठीक है, क्योंकि वो अर्थ के टिल्ट की वजह से, अर्थ के रोटेशन की वजह से हो रहा है, ठीक है. दूसरा प्रेसिपिटेशन, 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 ठीक है, टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन, टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन, व्हाट इज प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन का मतलब है, टेम्परेचर तो समझ आता है ना, कि भाई चलो ठीक है अर्थ घूमी वगैरह उन सब की वजह से टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन इज रेन प्लस स्नो, प्रेसिपिटेशन इज रेन प्लस स्नो, रेन प्लस स्नो मतलब या तो वहां पे बारिश हो रही हो या फिर वहां पे बर्फ गिर रही हो, ठीक है, एक्चुअली क्योंकि बर्फ गिरना भी इज एक्चुअली बारिश हो रही है, लेकिन वहां पे टेम्परेचर इतना ठंडा है कि पानी जो है वो क्या बदल गया हमारा, बर्फ में बदल गया, ठीक है. ये अमित नायक जी, हम अकेला किसी को नहीं पढ़ा रहे हैं, हम जो है सबको पढ़ा रहे हैं, आपको पढ़ना आप आ जाइए, ठीक है. चलो, तो बायोम जो है अर्थ रोटेट करती है अराउंड द सन, टिल्ट ऑन एक्सिस की वजह से एनुअल वेरिएशंस आते हैं, जो कि टेम्परेचर बदलते हैं, प्रेसिपिटेशन बदलते हैं एक जगह की, तो उसी चीज को जो है हमने एक ग्राफ में डालने की कोशिश की, जब हमने उसी चीज को एक ग्राफ में डालने की कोशिश की तो हमने डाला ऐसे, देखिए, ठीक है, तो हम जब ग्राफ बनाने की कोशिश की तो हमने इधर डाला मीन, मीन का मतलब पड़ा है ना, मीन मतलब बीच का, ठीक है, मीन जैसे दो और दो, दो डिग्री सेल्सियस, चार डिग्री सेल्सियस, आठ डिग्री सेल्सियस, तो अगर ये इसका मीन लेंगे तो इनका टोटल करेंगे, हम पता है ना, बेसिक मैथ पता है ना हमें, तो इनका मीन लेंगे, ठीक है, सो अराउंड इसका मीन आएगा हमारा 4 point something, ठीक है, अराउंड 4 degree जो है इसका मीन टेम्परेचर आएगा, हम यहाँ मैथ पढ़ाने नहीं आए हैं, हम बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, तो इतना सिंपली बता रहे हैं बस, कि जो है यहाँ पे मीन एनुअल, एनुअल मतलब साल भर का टेम्परेचर, मीन एनुअल टेम्परेचर अगर मैं प्लॉट करूं एक साइड पे, और एक साइड पे जो है मैं मीन एनुअल
प्रेसिपिटेशन वो प्लॉट करती हूँ, ठीक है। प्रेसिपिटेशन को हम लोग सेंटीमीटर में नापते हैं, इतना सेंटीमीटर बारिश हुआ, और टेम्परेचर को हम डिग्री सेल्सियस में नापते हैं, ठीक है। तो अगर हम टेम्परेचर देखें, जैसे कि टेम्परेचर कितना कम से कम जा सकता है, 0 डिग्री से भी नीचे जा सकता है, तो जैसे -15 तक भी जा, मतलब इससे भी नीचे जाता है, -30 भी जाता है, -40 तक भी जाता है कई जगहों पे अर्थ पे। लेकिन अगर हम बेसिकली जहाँ पे ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं वहां का देखें, तो -10, -5, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, ठीक है, लगभग इतना टेम्परेचर में हम रखें, मीन टेम्परेचर, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 30 वाला तो कई जगह पे, अभी पिछले साल भी दुबई में जो है 45 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला गया था, तो ज्यादा से ज्यादा तो कहीं भी जा सकता है, मीन मीन ले रहे हैं हम लोग, बीच बीच का कितना जा सकता है। और ऐसे ही जो है बारिश जो है वो 50, 100 सेंटीमीटर, 150, मतलब इतना कम बारिश होता है इन जगहों पे, 200 सेंटीमीटर, 250, चलो ठीक है, 300, 350, अरे यहाँ तो बहुत ही ज्यादा बारिश होता है, 450, ठीक है, 450 सेंटीमीटर। तो ये बारिश बढ़ता जा रहा है और टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, तो अगर उसके हिसाब से अगर हम देखें, ठीक है, तो जो है आप ये देखो, कुछ ऐसी जगह होती है जहां पे टेम्परेचर जो है वो कभी माइनस की तरफ या जीरो की तरफ भी नहीं जाएगा, ठीक है, ऊपर ऊपर का टेम्परेचर रहता है, और बारिश जो है वो तो बिल्कुल ही कम रहती है, ठीक है, ज्यादा बारिश तो होती ही नहीं है, ठीक है। जो ये एरिया रहता है हमारा, ये हो गया हमारा डेजर्ट, ठीक है। तो डेजर्ट बायोम कैसे बना, कि भाई टेम्परेचर जो है वो कभी नेगेटिव, मतलब ठंडा नहीं जाता है, और बारिश जो है वो बहुत कम होती है, ठीक है, तो डेजर्ट बन गया हमारा, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज कि टेम्परेचर जो है वो कभी कभी ऐसा जीरो तो नहीं जाता है, मतलब ठीक ठाक टेम्परेचर रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद, लेकिन जो बारिश है वो टेम्परेचर तो रहता है, लेकिन बारिश ज्यादा होती है थोड़ी सी, ठीक है, बाकी जगहों के मुकाबले बारिश जो है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो अब बिल्कुल ही कुछ ना होने से अच्छा है कि यहाँ थोड़ी घास उगा दी जाए, ठीक है। तो डेजर्ट, डेजर्ट के बाद ग्रासलैंड, ठीक है। तो यहाँ पे है ये डेजर्ट, जहां पे कुछ नहीं उग पाता है ज्यादा, मतलब होता है पौधे। फिर एक होता है फिर ग्रासलैंड, जहां पे बड़े बड़े पेड़ या फिर वो सब ज्यादा नहीं होते हैं, लेकिन घास पूरा अच्छा दूर दूर तक होता है, क्योंकि बारिश होती है, ठीक है, टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा ही रहता है, लेकिन बारिश होती है ठीक ठाक, तो यहाँ पे जो है घास उगती है। फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है कि वहां पे बारिश भी ठीक ठाक हो रही है और टेम्परेचर भी जो है वो मतलब टेम्परेचर इतना ही रहने वाला है, लेकिन थोड़ी बारिश ज्यादा होने लग गई है और जगहों के मुकाबले। तो लगभग जो है बारिश जो है वो 250 तक के आसपास की बारिश हो रही है, टेम्परेचर भी जो है जीरो से नीचे तो नहीं जाएगा, टेम्परेचर जो है वो भी जो है थोड़ा 20-25 के अराउंड तक रहने लग गया है, ठीक है, मतलब बारिश ज्यादा होने लग गई है ग्रासलैंड्स के मुकाबले। तो उस एरिया को हम लोग बोलेंगे क्या, टेम्परेट फॉरेस्ट। टेम्परेट फॉरेस्ट होते हैं जो ऐसी जगह होती हैं, ठीक है, टेम्परेट फॉरेस्ट होती हैं ऐसी जगह। फिर कुछ ऐसी जगह भी होती हैं, कुछ ऐसी जगह भी होती हैं जहां पे जो है टेम्परेचर तो एकदम ऐसा ऊपर ऊपर का ही रहता है ज्यादा ज्यादा सा, लेकिन बारिश बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, वो होते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ठीक है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। अगर आप हिंदी में देखें तो टेम्परेट फॉरेस्ट वो होते हैं जो पतझड़ दिन में आ जाता है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वो होते हैं जो सदाबहार टाइप के जो जंगल होते हैं, क्योंकि वहां पे बारिश बहुत ज्यादा होती है और टेम्परेचर हाई रहता है, एकदम ह्यूमिडिटी रहती है। जैसे एग्जाम्पल एमेजोन के जंगल हो गए, ठीक है, और टेम्परेट फॉरेस्ट जैसे हमारे देश के जंगल है वैसे, ठीक है। ग्रासलैंड का एग्जाम्पल देखें तो ग्रासलैंड में जो है एग्जाम्पल आ जाता है जैसे रशिया वाला एरिया है पूरा सॉरी
डेजर्ट जो है वो आ गया, पूरा सहारा डेजर्ट आ गया. ठीक है, तो ये हमारे अब बारिश ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है, बारिश ज्यादा है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. ठीक है, बीच बीच का बारिश है, बीच बीच का टेम्परेचर रहता है टेम्परेट फॉरेस्ट, थोड़ा सा ज्यादा ही गर्मी रहती है, बहुत कम बारिश होती है डेजर्ट, और उसके बीच का ग्रासलैंड रहता है. ठीक है, फिर उसके बाद कुछ ऐसे जंगल होते हैं जिनमें, कुछ ऐसे जंगल होते हैं जिनमें क्या होता है कि टेम्परेचर थोड़ा सा नीचे की तरफ भी चला जाता है. ठीक है, और बारिश भी ज्यादा नहीं होती है लेकिन टेम्परेचर नीचे तक चला जाता है. ठीक है, तो ऐसी जगहों को हम लोग बोलते हैं कॉनिफेरस फॉरेस्ट. कॉनिफेरस फॉरेस्ट में क्या होता है कि टेम्परेचर नीचे की तरफ चला जाता है और बारिश भी थोड़ी ठीक ठाक सी हो जाती है, तो वहां बर्फ गिरने लग जाती है. तो ये कॉनिफेरस फॉरेस्ट वो है जो क्रिसमस ट्री वाले बनाते हैं ना, कॉनिफेरस ट्रीज. तो यहाँ पे अब याद करो, कॉनिफेरस ट्री, क्रिसमस ट्री के ऊपर ऐसा बर्फ गिर रही है, तो टेम्परेचर थोड़ा लोअर डाउन चला गया है, टेम्परेचर थोड़ा सा नीचे तक आ जाता है, लेकिन थोड़ा बारिश भी ठीक ठाक होती है तो वो बर्फ की तरह गिरती है. फिर तो प्रेसिपिटेशन में स्नो भी है तो वो भी आएगा. ठीक है, तो ये कॉनिफेरस फॉरेस्ट हो जाते हैं. फिर हमारा जो लास्ट है कि बारिश कम और टेम्परेचर भी कम. ठीक है, तो बारिश भी कम और टेम्परेचर भी कम जो वो लोग हैं, वो लोग हैं जिनको हम बोलते हैं, अब बारिश कम और टेम्परेचर भी कम वाले जो लोग हैं वो उनको बोलते हैं हम लोग, उस एरिया को बोलते हैं आर्कटिक. आर्कटिक एरिया तो पता है ना, आर्कटिक एरिया जो अपना पूरा नॉर्थ ऊपर कनाडा वाला एरिया, कनाडा से भी ऊपर, उसको बोलते हैं आर्कटिक. एंड एल्पाइन, एल्पाइन मतलब जो जैसे बहुत ऊंचे ऊंचे जो पहाड़ हो जाते हैं, जैसे हिमालय की चोटी पे, उधर जो है टेम्परेचर बहुत कम होता है. ठीक है, टेम्परेचर बहुत कम होता है, वहां बारिश भी बहुत कम होती है, बारिश जो होती है वो बर्फ की तरह होती है. ठीक है, तो आर्कटिक एंड एल्पाइन टुंड्रा, उनको टुंड्रा बोलते हैं. ठीक है, तो एक तरह से इनको ये बोल सकते हैं कि ये ठंडा डेजर्ट है. ठीक है, ठंडा डेजर्ट टाइप ये होते हैं, यहाँ पे जो है बर्फ जमती है, यहाँ पे रेत ही रेत होती है. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी इंटरप्रेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है बायोम्स. ठीक है, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन के हिसाब से अलग अलग तरीके के बायोम्स हो सकते हैं. ठीक है, तो आज हमने पढ़ा कि बायोम्स कैसे बनते हैं. ठीक है, सो कल हम पढ़ेंगे एबायोटिक फैक्टर्स इन द एनवायरनमेंट. ठीक है, क्योंकि एबायोटिक्स प्लस बायोटिक्स से मिलके बनता है ना हमारा इकोसिस्टम, तो हम एबायोटिक्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे एंड आई होप यू ऑल हैव अ लर्निंग. ठीक है, सो आज का रिविजन अगर एक बार देखें, सो हमारा बायोम जो है वो क्यों बना, इकोलॉजी के लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजी हमने पढ़ी, जो है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर एक बार और फिर से देखते हैं. ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मैक्रोमोलिक्यूल से सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन से कम्युनिटी, कम्युनिटी से इकोसिस्टम, इकोसिस्टम से बायोम. ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, ओके बाय.